हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेके आए हैं जिससे कि छोटे छोटे बच्चों की स्किन ना ही चमकदार बनेगी बल्कि बहुत ही शाइनिंग बनेगी। इसमें कोई तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही आसान सी रेमेडी है। आप तो जानते ही हैं, छोटे बच्चे कहीं भी खेलते हों, चाहे वो धूल मिट्टी हो, चाहे वो रेलिंग हो, वो कहीं पे भी खेलते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते। उनकी त्वचा जो है वो बहुत ही मुलायम होती है, तो हमें उसका खास ख्याल रखना रहता है। आप अक्सर देखेंगे बच्चे जब धूल मिट्टी में सन के आते हैं, खेल के आते हैं, तो उनकी त्वचा बेरुखी बेजान सी लगने लगती है। तो चलिए आज उसी पर हम बनाते हैं एक ऐसा होम रेमेडी जो बच्चों के लिए सेफ भी है और इससे स्किन इसका बहुत ही चमकदार और त्वचा बहुत ही मुलायम बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस ट्रिक को। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है दूध। जी हाँ, जो हमारे घर पर रहता है दूध। दूध अपने आप में क्लिंजिंग मिल्क का काम करता है, ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन ये अपने स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे त्वचा हमारी मुलायम बनती है, सॉफ्ट बनती है। बड़े भी इस नुस्खे को आजमा सकते हैं, बहुत ही आसान सा नुस्खा है। यहाँ पर हम 1/4 कप के करीब दूध ले लेंगे, आधा कप जितना भी आप ले सकते हैं। इससे बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी उम्र के इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा नुस्खा है। यहाँ पर दूध जो मैंने लिया है वो पका हुआ दूध है, ठंडा करके, कच्चा दूध को नहीं लिया है, गर्म दूध करके जो मलाई हटा दी उसके बाद इस दूध को ठंडा करके लिया है। अब जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट लेंगे वो हम लेंगे ब्रेड। जी हाँ, ठीक आपने सुना है, ब्रेड। ब्रेड से भी जब अगर हम अपने स्किन को साफ़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। इसके लिए हमें क्या करना है, दूध में हमें ब्रेड को ले, दूध और ब्रेड को डिप कर लेना है। इस तरह से देखिए, अच्छे से पूरा हमें इसको मिक्स कर लेना है। देखिए, दूध में पूरा जो ब्रेड है वो सोक हो जाना चाहिए और इस तरह का ब्रेड जो हमारा है वो मुलायम हो जाना चाहिए दूध के साथ। तो आप इसको अच्छे से 1 से 2 बार डालकर, बिल्कुल चाहे तो आप इसको इस तरह से चूर कर भी देखिए, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा छोटा बच्चा है, मैं उसको ले रही हूँ, उसके पैर हाथ को आप लें जहाँ पर आपको लग रहा है, पर ये पूरे बॉडी में आप लगा सकते हैं, कहीं पर भी, पूरे बॉडी में, फेस में भी आप लगाएं, फेस भी बहुत अच्छा साफ होता है। और इस तरह से देखिए, हमें इसको रगड़ना है, इसमें 5 से 6 मिनट हमें इस तरह से ये ब्रेड वाले दूध से इस के पैर को देखिए मैं मसाज कर रही हूँ। और इस तरह से 5 से 6 मिनट करने के बाद हमें थोड़ा देर इसको इसी तरह से छोड़ देना है लगे हुए। 5 से 6 मिनट के लिए हमें इसको छोड़ भी देना है। पूरे बॉडी में आप लगाइए, देखिए कितना, आप देख सकते हैं कि कितना पैर में जमी हुई धूल मिट्टी ये सब जो होती है वो निकल रही है और साथ साथ त्वचा भी जो है बहुत ही सॉफ्ट बन जाती है। इसी तरह से जैसे हमने लगाया हाथों में भी हम इसको लगा लेंगे। देखिए बच्ची हमारी कितनी खुश होकर लगवा रही है, क्योंकि बच्चों को भी इसमें मज़ा आता है। इस तरह से उंगलियों के बीच में सब में आप बस इस मिक्सचर को अच्छे से रगड़ दें। 3 से 4 मिनट आप रगड़ें, उसके बाद इसको 3 से 4 मिनट छोड़ दें। जब ये छोड़ दें उसके बाद हल्का सा अगर आपसे बच्चे फिर से मसाज कराते हैं तो आप उसको वापस रगड़ें, और अगर बड़े हैं तो वो तो कर ही लेंगे, छोटे बच्चे दोबारा कम कराना चाहते हैं। उसके बाद आप इनको नहला दें, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दें, आप देखेंगे आपके बच्चों की त्वचा कितनी मुलायम, सॉफ्ट और वो है। आप इसको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार इस रेमेडी को आप ज़रूर से ट्राई करें। तो कैसा लगा दोस्तों ये रेमेडी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नई रेसिपीज़ डालूं, रेमेडी डालूं, ट्रिक डालूं, आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, सी यू सून।